हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1000 square feet इन RCC स्लैब, यानी कि हम कितना मटेरियल इस्तेमाल करेंगे 1000 square feet की स्लैब बनवाने में। अब स्लैब क्या चीज़ होती है? स्लैब जो हमारी नॉर्मल भाषा में लेंटर होता है और जिसे हम छत भी कहते हैं, छत डलवाने में 1000 square feet लगभग एरिया जो होता है वो 100 गज का होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक थंब रूल बेस्ड वीडियो है जिसके अंदर आप रफली अपनी क्वांटिटीज़ को पता कर सकते हैं 1000 square feet की स्लैब के अंदर। तो आइए बात करते हैं, मटेरियल है और यहाँ क्वांटिटी है। मटेरियल के अंदर मटेरियल की लिस्ट है और क्वांटिटीज़ के अंदर क्वांटिटीज़ बताई गई हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि सीमेंट क्या होती है। हम बात करेंगे एग्रीगेट। एग्रीगेट जो होती है असल में रोडी को कहा जाता है। रोडी जो है दो तरह की होती है, 10 mm और 20 mm। 10 mm मतलब आधी इंची और 20 mm एक इंची की रोडी होती है। दूसरी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है सैंड। सैंड आप सब जानते हैं कि बालू और बजरबट को हम सैंड कहते हैं नॉर्मल भाषा में। और हमारा लास्ट है स्टील बार। स्टील बार जो है ये सरियाँ होती हैं जो RCC स्लैब में इस्तेमाल की जाती हैं। आइए तो हम बात करते हैं अपने सीमेंट की। जो सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी 1000 square feet के अंदर वो लगेंगे 65 bags और एग्रीगेट जो लगेगा वो 350 square feet लगेगा। सैंड जो लगेगा हमारा 250 square feet लगेगा और स्टील हमारी 800 kg लगेगी, यानी कि 8 क्विंटल। ये जो सारी क्वांटिटी हैं ये एक सारी क्वांटिटी इस RCC स्लैब 1000 square feet के अंदर लगनी ही लगनी है। इतना आपको मटेरियल चाहिए। अगर आप 1000 square feet जो एरिया होता है वो 100 गज के बराबर होता है। अगर आपको 50 गज का चाहिए तो आप इन क्वांटिटीज़ को आधा कर दें, और अगर आपको 200 गज के अंदर चाहिए इन क्वांटिटीज़ को ज़्यादा कर दें। अब आप बात आती है कि इसमें ख़र्चा कितना आएगा। तो आप अपने एरिया के हिसाब से सीमेंट कितना बैग एक बैग का क्या कीमत चल रही है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके इनके अंदर उन रेट्स का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इन सब का रेट पता चल जाएगा और आपको एक रफली एस्टीमेट पता चल जाएगा कि कितना हमारा खर्च होने वाला है एक RCC स्लैब डलवाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर करें। ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। जब तक के लिए सत श्री अकाल, जय हिंद, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।